ज्ञान द ड्रेसर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म के संस्कारों के बारे में। व्यास स्मृति में हमारे 16 संस्कार माने गए हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जीत कर्म, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, किशान संस्कार, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, परिव्राज या संन्यास या पितृमेद या अंत्यकर्म। इन संस्कारों का व्यास स्मृति और मनुस्मृति के विभिन्न श्लोकों में महत्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है, अतः इन संस्कारों का अनुष्ठान नितांत आवश्यक है। इन संस्कारों को करने का अभिप्राय यह है कि जीवन न जाने कितने जन्मों से किन किन योनियों में अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग सरीसृप स्थावर जगदम जलचर थलचर नभचर एवं मनुष्य योनि में भटकते हुए किस किस प्रकार के निकृष्टतम कर्म संस्कारों को बटोरकर साथ में ले आते हैं, इसका उन्हें पता नहीं चलता है। इन्हीं कर्म संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट करके या छिन्न करके उनके स्थान में अच्छे और नए संस्कारों को भर देना या उत्पन्न कर देना इन संस्कारों का अभिप्राय है। संस्कारों से ही बालक सद्गुणी, उच्च विचारवान, सदाचारी, सत्कर्म परायण, आदर्शपूर्ण, साहसी एवं संयमी बनता है। बालक के ऐसा बनने पर देश तथा समाज आगे बढ़ता है, किंतु बालक के संस्कारहीन होने से वो देश को बिगाड़ेगा, अर्थात अधर्माचरण वाला होगा, नास्तिक और देशद्रोही बनकर समाज को दूषित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो चोरी डकैती आतंकवाद कला कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बालकों का जन्म के पूर्व ही संस्कार कराने का विधि है। संस्कार जो शब्द है, संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृच धातु के धंज प्रत्यय लगाने से सम प्रिभ्या करतो भूषणे इस पाणिनीय सूत्र से भूषण अर्थात सुट करने पर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण और विशुद्धिकरण। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोछकर शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, ठीक जैसे स्वर्ण को आग में तपाकर उसके मलों को दूर किया जाता है और उसके मल जाने पर स्वर्ण विशुद्ध रूप से चमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों में संचित मूल रूप निकृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक और फिर बूढ़े होकर मरने तक संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक दृज मात्र के सभी संस्कार वेद मंत्रों के द्वारा ही होते हैं। संस्कार से मनुष्य दृजत्व को प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।